नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं गुरु विपिन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ सक्सेस फिल्म एकेडमी में। दोस्तों ध्यान से सुन लो, मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप किस एकेडमी में सीखते हो, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बॉस आप मुंबई में कितने दिन टिकते हो, मुंबई में कैसे अपने आप को सेटल करते हो और अपने सपने के पीछे भागते हो। दोस्तों आज का विषय यही लेके आए हूँ दोस्तों कि बॉस जेन्युइन कास्टिंग एजेंसी जो है वो मुंबई में कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह पे है, किस किस की जगह पे आप जाके ऑडिशन दे सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों ऑफिस के अंदर बैठा हूँ 2024 फुल जोश के साथ दोस्तों आप लोग के लिए कंटेंट लेके हम लोग आ रहे हैं। दोस्तों देखिए कैसा है, पहले बॉलीवुड को समझते हैं कि बॉलीवुड है क्या। बॉलीवुड एक अनऑर्गेनाइज्ड एक ऐसी एंटिटी है, अगर आपके पास भी 10 करोड़ है, आपने भी सीरियल बनाना चालू कर दिया, सो आप कह सकते हो कि बस आप प्रोड्यूसर हो। अगर आपके पास कोई आ गया इन्वेस्टर, वो बोल सकता है कि वो प्रोड्यूसर है, यानी कि किसी को ऐसा बोल नहीं सकते कि बॉस इसकी चाबी किसी एक के पास है। जैसे कोई कंपनी होती है राइट, जैसे सक्सेसफुल कंपनी है राइट, या रिलायंस एक कंपनी, तो उसके कोई मालिक होते हैं राइट, और उसी के हाथ में कंट्रोल सब कुछ होता है। लेकिन बॉलीवुड ऐसा नहीं है, जिसके पास पैसा है, जो मूवी बनाना चाहता है, सीरियल बनाना चाहता है, वो प्रोडक्शन वाले कहलाते हैं, प्रोडक्शन हाउस कहलाते हैं। और इन लोगों को आपको टारगेट करना है, अप्रोच करना है कि बॉस कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी एजेंसी या कौन कौन से प्रोडक्शन आजकल सीरियल बना रहे हैं, उनके ऑफिसर्स को टारगेट करना, उनके ऑफिसर्स को जाके विजिट करना, देखना, पूछना कि बॉस ऑडिशन हो रहा है कैसे। मैं कई बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, google.com पे जाने का, सीरियल का नाम ढूंढने का कि उसका प्रोडक्शन हाउस क्या है, फिर प्रोडक्शन हाउस मिल गया तो प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस ढूंढने का गूगल पे जाके, ये कुछ बुनियादी तरीके हैं जिसके थ्रू आपको सही और जेन्युइन कास्टिंग एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस का पता चल जाएगा। सो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप जुड़े हमारे साथ। वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू सक्सेस फिल्म एकेडमी, मैं गुरु विपिन कुमार। इतने से कम बजट में आपको मुंबई में रहना और सीखना सब कुछ पॉसिबल है। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।